हेलो गाइस, कैसे हैं आप? काफ़ी दिनों बाद आया हूँ आज मैं ना। इंस्टाग्राम भेजता है मैसेज, वी आर टेलिंग योर फॉलोअर दैट यू हैव स्टार्टेड ए लाइव वीडियो। हाँ भेजो 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 भाई, इंस्टाग्राम सबको भेज दो ये बात। हेलो हेलो तनुज, हेलो अमित, बॉल बदल लिए भाई साहब। हाँ चलिए, आज लक्ष्मी पूजा है क्या? शरद पूर्णिमा के दिन मैच नहीं देख रहे क्या? देख रहा हूँ ना, बॉल बदल ली और क्या। राधे राधे मिस्टर अरूप, कुलदीप पाठक, चलिए। चित्रराज कत्रे, अजय यादव, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बताओ? सब बढ़िया चल रहा है जीवन यापन? हाँ मैंने कहा यार बहुत दिन हो गए बात करे, पहले तो मैं कर लेता था तुमसे बातें, बीच में टाइम ही नहीं मिला, काफ़ी सारा ऐसे निकल जाता है ना। चलिए, जय श्री राम भाई। चलो स्टूडेंट्स को जोड़ना शुरू करते हैं, है ना। हाँ अभी जुड़ने दो, और भी क्या चल रहा है बताओ। इंडिया जीत जाएगी भाई आज, तो स्थिति तो यही लग रही है कि इंडिया आज परचम लहरा देगी अपना। सर भाभी कहाँ है? भाभी अपने घर पे है यार, छुट्टी मनाने गई है वो। सर एक बार क्या बोलना है मनीष बताओ। फॉर टेन, ऑल गुड सर। चलिए एक एक करके लेते हैं। भेजा तो है मैंने रिक्वेस्ट एक दो को, सर टिल सेकंड ईयर आई हैव नॉट पास्ड। कहाँ कमी रह रही है यार? सर मैथ के लिए बेस्ट बुक बताइए। मेरी वाली है ना पेनाशिया ऑफ अर्थमेटिक, बेस्ट है भाई, बढ़िया बुक है, उससे प्रैक्टिस लगाओ। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? मेरी वॉइस तो आ रही है ना सबको? हाँ इधर इधर क्वेश्चंस में भी आप क्वेश्चन भेज सकते हो जब तक कोई वीडियो पे कनेक्ट नहीं होता है तो। सर हाँ सर फ्रस्ट्रेटेड हूँ, एक साथ तो बी आर एस एस सी सी जी एल आ गया और ए एल पी कैसे, या ए एल पी? अरे भाई बिहार एस एस सी सी जी एल तो चलो आ ही गया, ए एल पी कहाँ है अभी, तो उसमें क्या दिक्कत है? सर आपने बॉल स्टिकर लगाया है? नहीं, स्टिकर नहीं है वो, है क्या नाम है वो, बोलते हैं इनको पर्दा। कल एनटीपीसी मेडिकल है सर जयपुर में, भाई अच्छे से देकर आना, वैसे कुछ दिक्कत नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट सारे लेकर जाना, बस हो जाएगा कवर उससे। अब एक एक करके स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, दो चार स्टूडेंट से चर्चा करेंगे। मैंने कहा मिल ही लेते हैं यार, आजकल बहुत दिन हो गए ना। जा नहीं रहा क्या आजकल? सर आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बहुत दिन से आपको फॉलो करता हूँ। हाँ सर सीजीएल के लिए कौन सी बुक से प्रैक्टिस करूँ? मेरी बुक है ना पेनेशिया ऑफ अर्थमेटिक, उसी से करो, बढ़िया बुक है वो।
सर फोर बैंक कुछ बताइए, ग्रुप डी कट ऑफ, ग्रुप डी कट ऑफ। मेरी वॉइस वॉइस तो आ रही है ना सबको? सबको भेज रहे हैं कि करते हैं। कौन जुड़ा है? हेलो, हेलो सर। अभी क्या हाल है? बस सर बढ़िया है, आप बताइए। सर और बताइए, तैयारी कौन से एग्जाम की चल रही है आपकी? अभी तो ग्रुप डी देखा है 20 तारीख को, अच्छा ही गया है। मतलब 25 में 24 किया था। मैथ्स में? हाँ सर, लेकिन एक तुक्का मार दिया जो कि गलती हो गया। सर तुक्के तो गलत ही होते हैं यार, किस्मत अच्छी हो तो ही वो सही होते इजी हैं। था, मतलब क्या था ना कि वो √6 का वैल्यू दिया था और √24 + √54 + √6 का वैल्यू निकालना था। अच्छा, और कोई एग्जाम्स? तो और कौन आप अपकमिंग एग्जाम कौन कौन से हैं तुम्हारे? अब सर CGL, अब CGL। सीजीएल की तैयारी में लग जाओ, बढ़िया। रात को 9 बजे कोई ट्रिक्स बाई साहिल सर पर मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना? हाँ सर, वो तो सर 2 साल सर और फॉलो कर रहा है, वो तो सर मतलब हाँ, फिक्स बस हो गया रेगुलर है। पढ़ाई लेकिन करो। सर और हाँ, और बताओ बताओ क्या समस्या क्या है? इंग्लिश नहीं हो पाता सर। इंग्लिश यार समस्या तो रहती है इंग्लिश में, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। पहली बात तो ये, हमें मतलब इंग्लिश वही में बहुत बात ज्यादा है सर, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, है ना? वही सर। क्योंकि और क्या तो है कि इंग्लिश बाकी सब तो तो इंग्लिश में तो यार यही है कि भाई प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस से आएगी। अपन जैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को, है ना, इंग्लिश केवल प्रैक्टिस से आती है। मतलब हम खुद ब खुद नहीं सीख सकते इंग्लिश, ये मुझे पता है, क्योंकि अपने लिए स्ट्रगल है एक तरीके से इंग्लिश सीखना। तो उसके लिए तो बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आएगी। मैं लेकिन चाहता आ हूँ गई अभी ना एक बार इसको, मैं तो कर तो लेता हूँ, कैसा ना कि निकल मतलब जाएगा इंग्लिश एग्जाम, का क्लासिंग क्या करूँ, कुछ मतलब पल्ला नहीं पड़ता। सब हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो। पढ़ाई करते रहो कंटिन्यू। और सर एक क्वेश्चन सर, जो 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 भी एस्पिरेंट है, हाँ क्वेश्चन पूछो। चलो मतलब सर ऐसा क्या है कि ऐसा ग्रुप डी का इस बार लेवल तो मैथ का तो पता है ठीक ही था, बाकी सर तो लेवल हार्ड था। तो सर एक होता है ना मतलब अनुमान, सर इतना मार्क्स अगर आता है तो हो सकता है कुछ। किसने ग्रुप डी में कितना टाइम किया? ग्रुप डी की बात कर रहे हो क्या? हाँ सर, अटेम्प्ट तो 86 किया हूँ कोलकाता बोर्ड से, मैक्सिमम अच्छा, और गलत के क्या चांसेस हैं? 10 10 हाँ मतलब 10 गलत हो जाएंगे? हाँ हो जाएगा यार इस बार तो। ग्रुप डी में तो क्या चांसेस काफी ज्यादा हैं इस बार। एक्चुअल में देखो क्या ना सर है, आप। कुछ बच्चे तो पेपर देने ही नहीं गए ग्रुप डी वाले, हाँ सर मेरा और भी जो लैब में मतलब बहुत कम था एलएलएस, मतलब बहुत बच्चे ही कम। नहीं थे, बच्चे ही नहीं थे, बच्चे ही नहीं थे। पोस्ट लगभग 1 लाख है ना? जब सर एक बार आप जब कोलकाता आए थे तो वहाँ पे मैं भी आया था, तो आपके साथ एक फोटो भी था, अच्छा, और ये आपसे सेकंड टाइम बात हो रहा है मेरे से। हाँ पहले भी हम बात कर चुके हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए सर, बस सर अब आगे जैसे चलो, दिखता हूँ, जैसे जितना जल्दी कहीं भी ज्वाइन हो जाए तो फिर नहीं थोड़ा नहीं हो सेटल हो जाएगा, हो जाता। जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ी पढ़ाई और पर भी सर ध्यान नेक्स्ट दे के। नेक्स्ट सर अगर जब जब भी एलपी या फिर टेक्नीशियन का वैकेंसी आएगा तो सर उस हिसाब से क्लास हो जाता तो बेटर होता। वो तो लगेगा ही, तो क्लास तो चल ही रहा है ना अभी, जो सीजीएल वाला चल रहा है वो भी काम का है आपके। क्योंकि सर एक बार और क्या है मतलब सीजल के मैथ या फिर कोई मैथ कर लेने से सबका मैथ तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बस लेवल अप डाउन रहता है। लेवल भी नहीं रहता, आप जब पढ़ोगे ना बस तो आपको सब कुछ एज इट इज लगेगा। आज अगर आपने ग्रुप डी की तैयारी भी कर रखी है और अच्छे से अगर आप सीजीएल के क्वेश्चन लगा रहे हो, आराम से लगेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ही तो क्लियर होने चाहिए यार, और कुछ भी जब नहीं सर चाहिए। मैं एग्जाम पे बैठा था ना तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगा, बट मैथ का क्वेश्चन देखा तो आपका क्लास से तो मतलब बहुत इजी लेवल था, उतना हार्ड भी नहीं था। नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात मत करो। आसान ही आता है पेपर यार, टफ होता ही नहीं। ठीक नहीं सर इस बार कुछ ज्यादा आसान आ गया, है पता अभी। नहीं। हाँ, इस बार तो ज्यादा ही आसान नहीं है, आसान लगने लग जाता है जब पढ़ाई करते रहते हैं तुम। ठीक चलो है सर ना? थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। ओके। अभी मेरे साथ जुड़े हैं अंकेश, अंकेश वर्मा आया। नमस्ते गुरु जी, बढ़िया नमस्कार अंकेश, क्या हाल है, है, क्या चल रहा है, तैयारी चल रहा किस कौन से एग्जाम का?
सीजीएल करो, जम के करो, इस बार फोड़ना है एक बार में ही, समझ रहे हो मेरी बात, कसर नहीं छोड़नी है। बढ़िया, रात को 9 बजे वाली क्लास लो और तगड़ी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो कि दोबारा सीजीएल इतनी बड़ी वैकेंसी लेकर आने वाला नहीं है, तो ये बढ़िया बढ़िया मौका है अपने पास, ठीक है ना। कसर मत छोड़ना, 3-4 महीने की बात है बस, अगर निकाल लोगे ना तो प्री के बाद तो मेंस पर निकालना ही है फिर, जी सर, है ना। और बताओ कोई समस्या? सही बढ़िया है और सब ठीक, चल रही पढ़ाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? बढ़िया चल रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करो, चलो ठीक ठीक है, ओके। हाँ, एक एक करके सबको जोड़ते हैं, चिंता ना करो डियर। अच्छा लगता है बात करके यार तुमसे, कभी कभार, अब बहुत दिनों बाद आया हूँ, मैंने कहा यार एक बार बात करते हैं स्टूडेंट से, क्या चल रहा है लाइफ में, इंटरेक्शन करते हैं, बढ़िया। और ये रेगुलर होना भी चाहिए, जरूरी भी है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और क्या क्या डाउट्स आए हैं सर, इंग्लिश के लिए क्या करें, इंग्लिश सर एएलपी के लिए आईटीआई नहीं है अभी, एक बार जब फॉर्म आने तो डियर देखो क्या मांगता है, तब देखेंगे, ठीक है। सर जी नमस्कार। हाँ हाँ भाई साहब, आ गए, हो जी, हाँ गया, जी, हो गया लेवल 6 स्टेशन मास्टर। बस बन गए? अब वो डीवी और मेडिकल बाकी है सर अच्छा, और जी। बाकी सारे लेवल क्लियर है? टाइपिंग बाकी हाँ सर, टाइपिंग दिया हुआ है, दिया हुआ है और अब सब कुछ बाकी सही? फर्स्ट फर्स्ट ऐसे में डाला हुआ वैसे मैंने प्रेफरेंस में। अच्छा, तो अब आगे का क्या आगे प्लान है, ज्वाइनिंग? ज्वाइनिंग के बाद करेंगे दोबारा कंटिन्यू। हाँ अच्छा, आगे एग्जाम जी कौन कौन सर, से और दे रहे हो अभी? अभी तो सर वो स्टेट का ही दे रहा हूँ। अच्छा चलो बढ़िया, पढ़ा, कंग्रेचुलेशन, बस है ना। सर अब तो एक बार आपसे मिलना है फाइनल। मिठाई लेकर आना, ऐसे मत आ जाना, पूरे जरूर सर, बहुत कम आपकी से डांट कम बहुत खाई है। 1,000 कमेंट तो तूने यही कर दिए सर, फ्री में पढ़ा दो, फ्री में पढ़ा दो हो जी सर, बहुत मैंने डांट खाई आपकी, गया ना, डांट खा के, डांट डांट रंग लाई के नहीं लाई? हाँ, फुल सर एकदम फुल रंग लाई है। तो लाइफ में क्या मोटिवेशन मिलता है बताओ, जीवन में अगर तुम मेरे जैसे बस यही टीचर है के सर, पास पढ़ रहे हो तो क्या मोटिवेशन है तुम्हारे पास? बस यही है सर, मैंने आपकी एक आपसे कितनी मर्जी डांट दी हो लेकिन क्लास मैंने एक भी नहीं छोड़ी आपकी सर। और उससे रिजल्ट निकला ना पूरा, हाँ जी सर, यही होता है भाई, वैसे मैंने ओबीसी से अप्लाई किया था लेकिन जनरल से क्लियर हो गया मेरा। यही होता है, डांट खाने वाले आगे निकल जाते हैं कई बार, इसलिए मैं कहता हाँ हूँ भाई जी सर, साहब, अब ये देखो ये बहुत खाई है तुमने, तो 2 साल से तुम लगातार खा रहे थे ना, 2-2.5 साल मैंने खा तो रहे सर हो, हर क्लास में खाई है, हर क्लास में हर क्लास में खाई, ब्लॉक भी बहुत हुआ था। मैं तो आपसे फिर काम ही ऐसे करता था भाई भी मैंने सर छोड़ी नहीं, मैंने आपकी क्लास छोड़ी नहीं, आईडी दूसरी बना के ज्वाइन कर ली, क्योंकि सही है, सही है, सही है। और अब कैसा लग रहा है मैं फैमिली आपसे वैमिली को, फैमिली वैमिली को पता है सब बढ़िया तरीके से, फैमिली सब वैमिली बढ़िया है, को पापा है मेरे पास ही बैठे हैं। मैं बात कर रहा हूँ। नमस्कार, अंकल जी नमस्ते, नमस्ते नमस्ते जी। बेटा स्टेशन मास्टर लग गया है तुम्हारा? हाँ देखो मेडिकल एस की हो जाए अरे ठीक आराम है। से हो जाएगा, और इसके अभी तो मतलब अभी तो क्या है, आप इस बार अंडरटेकन साइन करवा लेंगे, नहीं भी होता है तो आगे बहुत सारे लेवल्स हैं, सब में क्लियर है लड़का, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ दिक्कत कोई मतलब, बढ़िया, आपकी मेहरबानी है, बहुत आप लोगों ने बुलाया बहुत। बहुत बहुत मेहनत करी है, करीबी तो है लगातार, जो वो कहते हैं ना डेडिकेशन होना, वो बहुत डेडिकेशन दिखाया है सर बच्चे ने, हाँ रात को भी मेहनत करता था, दिन में भी करता, सारा दिन सारी रात बैठना बड़ा मुश्किल काम होता है जी। हाँ बहुत मुश्किल काम होता है, और रिजल्ट नहीं आता तब तक ऐसे लगता है कि टाइम वेस्ट ही कर रहा है, ये तो हाँ जी ऑनलाइन हाँ जी, स्टडी ऐसी है, लेकिन ये क्या है, रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ही पता लगता है कि यार बच्चा मेहनत कर रहा था हमारा। हाँ। मैंने देखा जी आप पढ़ाई बहुत करवा, बहुत पढ़ाते थे आप भी। आपने सुना होगा हाँ चलो अंकल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मोनू ठीक है। हाँ जी सर, अब ध्यान रखना, घर वालों का, है ना, बढ़िया तरीके से, है ना। फुल सर फुल सपोर्ट चलो ठीक है ना, मिलने आना था कोई, बताना है, जयपुर आए तो, है ना, जरूर सर जयपुर जरूर आऊंगा मिठाई के साथ। ठीक मिठाई लेकर आना बढ़िया वाली, ठीक है, है सर, ठीक ठीक। है सर।
जीवन में क्या पा सकता है इंसान, किसी की जिंदगी बन जाए ना, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं होती है लाइफ में, पता है। और वैसे लोग मिलते हैं तो दिल खुश हो जाता है, और भी मेहनत करने का मन करता है आप लोगों के लिए कि और क्या कर दूं क्या नहीं कर दूं। अच्छा लगा बहुत बात करके, और भी स्टूडेंट से कनेक्ट होते हैं। शतक हो गया भाई। गुड इवनिंग सर। हाँ वीरेंद्र, क्या हाल है? बढ़िया है सर, आप कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ भाई, यार बता, और सब बढ़िया चल रहा है? पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छी चल रही है? सब बढ़िया चल रही है सर। सर एक चीज तो आपसे सीखा सर, मैंने मैथ में तो बहुत वीक था सर, लेकिन जब से आपकी क्लास आई सर वाईफाई पे, तो मैथ तो उड़ाने लगे, पेपर भी क्लियर कर लिए सर, एमपी पुलिस भी कर लिया, रेलवे ग्रुप भी हो जाएगा सर। कौन सा वाला किया अभी? एनटीपीसी हो गया क्लियर? एनटीपीसी तो नहीं दिया था सर, उस समय मैं तैयारी नहीं स्टार्ट किया था, छोटा था। कौन सा निकला है अभी पेपर आपका? सर एमपी पुलिस निकला है सर, मध्य प्रदेश का हूँ सर। तो हाँ वो निकल गया। नहीं सर, उसका मेडिकल बस बचा है। मेडिकल में तो मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर है ना वैसे तो? जी सर। और सर इसमें ग्रुप डी भी अच्छा गया है सर। अरे गजब यार, बहुत बहुत बधाई। यही है सर। अभी जी सर, सिलेक्शन लेके फटाफट से मिठाई खिलाने आना, तुम ऐसे मत छोड़ देना। जी सर बिल्कुल सर, इस बार सीजीएल भी भरा हूँ सर, और बस आपको फॉलो कर रहा हूँ सर। थोड़ा जो प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है सर। इंग्लिश में तो यार प्रॉब्लम रहती है, मैं कहता रहा हूँ, हम हिंदी भाषी लोग हैं, हमारे इंग्लिश क्यों डाल दी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। सर इंग्लिश के कारण एसएससी नहीं निकल रहा है सर, बस उसी में 10 नंबर से रह जाता हूँ सर। नहीं नहीं यार देखो, मेहनत करते रहो, सब निकल जाएगा। अब ये मोटिवेशन है, एक बार नौकरी लग गई ना तो ये निकालोगे आप गारंटी से, अगर तुम ढंग से पढ़ते रहे ना लगातार, आराम से फोड़ोगे। ये मुझे पता है, तो टेंशन बिल्कुल मत लो, आराम से पढ़ाई करते रहो, है ना। और बाकी सर, जी सर बिल्कुल सर, बाकी मैथ के लिए सर आप मिल गए तो भगवान मिल गए ऐसा लगता है सर मैथ के लिए। अरे बस यार तुम मेहनत करोगे ना, बच्चा वही अच्छा जो लगातार पढ़ पाए, वरना जो नहीं सर। पढ़ेगा तो मैं कितनी मेहनत कर लूं, और ये मेहनत का रिजल्ट ही तो है, तुम लोग जॉब लगे बैठे और क्या है ना। अब जी सर, मैं इतने दिन हो गए मैं शायद बात नहीं कर पाता, मैंने तो रैंडम आपको कॉल किया, और आपका भी सिलेक्शन हो गया एलपीएसआई में, तो कितनी बड़ी बात है, कितने लोगों की लाइफ बदली है। हालांकि मुझे पता नहीं रहता, अब तुमसे कभी मिलता मैं एमपी में जाकर पुलिस में, तुम होते और मेरे को देखते तो पहचान जाते, और यही तो जी कमाया सर, है लाइफ में। जी सर। अभी कहाँ बैठे हो? स्टेशन पे हो गया? पुलिस आवाज आ रही है? नहीं सर, आप घर में हूँ सर, ये घर है सर। अच्छा अच्छा, तो चलो यार बहुत अच्छा लगा बात करके वीरेंद्र, और सर कभी कभी बहुत अच्छा लगा सर। कभी कभी मैं एमपी में, कहाँ लगे पड़े हो तुम? भोपाल में हूँ सर, भोपाल में। अच्छा अभी एमपी भोपाल में हो, और पोस्टिंग के कहाँ संभावना है अगर बातचीत हुई हो तो? कोई भी जिला दे सकता है सर, अब ऐसा तो नहीं पता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज चॉइस के लिए आता है। चलो मेरे को तो बता तो हम मेरे अपना जहाँ भी जी सर बिल्कुल सर, जहाँ भी हो तो फिर मिलेंगे, फिर आपसे एमपी आएंगे तब कभी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ठीक है ना। थैंक यू सर। ओके प्रणाम सर। ओके चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है आप लोगों से, ऐसा लगता है कि बात ही करते रहे बस, कितनी सारी चीजें निकल कर आती हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स के सेंटीमेंट्स जुड़े होते हैं एक टीचर से, वो देखने को मिलता है। चलिए और स्टूडेंट्स से हम कनेक्ट करते हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। कुछ लोग तो मैच ही देख रहे होंगे। सुरेश अय्यर का हो गया शतक, सैमसन ने मार दिया छक्का। मैं रैंडम बच्चों को ले रहा हूँ, है ना, जो भी मुझे दिख रहा है। इज्जत रख लो तुम्हारी, मैंने क्या कर दिया भाई ऐसा।
सबसे जुड़ रहे हैं, मैं एक साथ सबको भेज रहा हूँ। सबको भेज रहा हूँ, सबको जिसको ऐड करना है वो ऐड कर लेना। हाय, हेलो, हमारे साथ कौन जुड़ा है? हेलो सर। हेलो, नाम क्या है तुम्हारा? ये क्या, ब्रह्म कृष? सर ये मेरा निकनेम है, बट मेरा नाम अनु अनु कुमारी कुमारी? कैसे हो अनु कुमारी, क्या हाल चाल है? है सर। ठीक तुमने है पेंट ग्रीन हो रहा है, क्रोमा लगा रखा है हमारी तरह? नहीं सर, ये पेंट है। अब मेरी क्लास के पीछे भी तो ऐसे ही रहता है। मैंने कहा तुम भी वीडियोस बनाती हो क्या? नो सर, सर हम अब जब भी लाइव आते हैं ना, मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर एक बार हमसे आप बात कर लीजिए, बात कर अब आ गया लीजिए। दिन, कोई दिक्कत? आज जब सर हम मतलब बहुत भगवान करते, ए भगवान प्लीज एक बार सर से बात हो जाए, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करती थी, सही है। आज आपसे बात हो गया ना। अरे कोई नहीं, वो बताओ तैयारी वैयारी कैसे चल रही है तुम्हारी? मैथ्स वैथ्स में क्या सुधार है? सर बहुत बहुत सर बहुत अच्छा। अब मतलब सर मैं कुछ बताना चाहती हूँ। सर ऐसे मैं हैंडीकैप हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्या है? तो मैं एकदम पूरा डिप्रेशन में रहती थी। अचानक मेरी सिस्टर हमको सजेस्ट की कि तुम इन सर का क्लास लो, इन अच्छा मोटिवेशन का भी स्पीच करते हैं और अच्छा मैथ करते हैं, और मैं आपका क्लास ले लेके इतना इम्प्रूवमेंट हुई ना कि अभी मैं एग्जाम दे के आई, अपने आप को इतना अच्छा लगा कि मैं तो अच्छा तरह से हुआ हूँ। इतना को अजीब लग रहा ना सर, मतलब बोलने को बहुत घबराहट टाइप का लग रहा घबराहट क्या है यार, मैं तो है। मतलब सोचो मैं तुम्हारा सर बाद में हूँ, पहले तो मैं तुम्हारा भाई हूँ और मतलब दोस्त हूँ, सब कुछ हूँ मैं तुम्हारा। पहले बात यह है कि तुम लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहती हो तो मैं एक पार्ट बन रहा हूँ तुम लोगों का। और करो ना यार, खुला पढ़ो, कोई भी टेंशन हो मेरे से कहो, कुछ भी बात हो मेरे से कहो, कोई भी प्रॉब्लम हो, और मन लगाकर पढ़ाई करो। पढ़ाई में कभी मतलब रुक सोचना नहीं है, कोई हाँ ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, हमेशा तुम्हारे साथ कोई ना कोई है। अभी हाँ एग्जाम दिया, कैसा गया एग्जाम? सर वही सर बहुत अच्छा। पहले मैं एक बार एग्जाम दी थी, हमको कुछ समझ में नहीं आया था कि कैसे करना है, मैथ तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। उसके बाद आपका क्लासेस लेने लगे तो हमको बहुत अच्छे से लगा कि मेरा एग्जाम अच्छा गया। मैथ मैंने मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं जोड़ा। अरे वाह, हाँ तुम तो मतलब फोड़ के आ गई मैथ को। हाँ, अरे तुम रहने वाली कहाँ की हो अनु? यस सर, झारखंड धनबाद डिस्ट्रिक्ट। झारखंड। आज तो रांची में मैच चल रहा है। यस चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कभी झारखंड आना होगा तो डेफिनेटली सर, मिलूंगा भी। और अभी रात को अभी अभी कौन सा यस एग्जाम की सर। तैयारी कर रही हो फर्दर? अब आगे क्या सोचा है? सर आगे बस कुछ, अभी तो कोई मैंने तैयारी का ही नहीं किया, मतलब कोई भी ऐसा फॉर्म का ये नहीं किया, बस आपका क्लासेस ले रही हूँ और तैयारी कर रही हूँ और स्ट्रॉन्ग कर अभी रही तो हूँ। सीजल विजल भरा है? नहीं भरा? नहीं भरा तो नहीं कोई सर, एक अच्छा मतलब सीजीएल हमको बहुत टफ लग रहा है, हमको लग रहा है कि हम नहीं करेंगे, पहले हम बेस्ट तैयारी करेंगे उसके नहीं, बाद देखो मैं हम बता रहा हूँ ना, ये तैयारी क्या है, करेंगे। करते करते होती है, एक दो बार एग्जाम दो आदत पड़ जाती है। तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि ऐसा पीक पॉइंट आएगा जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमेशा सीखते रहना है। आप रेगुलर क्लासेस फॉलो करो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। क्विक ट्रिक बाय साहिल सर को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, रात को 9 बजे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बस अपने कॉन्सेप्ट को शार्प करो जितना आप कर सकते हो, ठीक है ना? सर डेली आपको क्लास में डेली लेती बहुत बढ़िया, हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा अनु बात करके। और टेंशन बिल्कुल मत लेना लाइफ में यार, सब मस्त है जिंदगी, ठीक है ना?
डिप्रेशन विप्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है यस सर, लाइफ में। सोचो कि कब कौन कैसे लोग मिल जाए, क्या पता रहता है। नहीं यस सर, जैसे आप हम लोग को मिल अरे गए। बहुत मस्त है, मतलब देखो ना कितना अच्छा लगा बात करके, कितना मजा आ रहा है बात करके, है ना। तो हमको इतना खुशी हो रहा ना कि मैं अच्छा से बात भी नहीं कर तो पा तुम पहले रही खुश हूँ। हो लो, तुम आराम से। अभी सर हम अपने सिस्टर को दिखाएंगे ना, वो शॉक हो जाएगी अरे आराम से पढ़ाई करो, टेंशन ना लो, और मैं साथ में हूँ हमेशा, ठीक है ना। कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को मेल कर देना, ठीक है। सर आपका जो क्लास होने से स्टार्ट होने से पहले जो आपका वो लाइंस रहता है ना सर, वो ना सच में बहुत हिम्मत देता है। अरे चिंता मत करो, सब हिम्मत देगा। और सबसे अच्छी बात बता कि तुम लोग मेरी हिम्मत हो। अब तुम पढ़ रही हो, अब मेरे को ऐसा लगेगा पढ़ाते वक्त कि अन्नू भी पढ़ रही है, उसको समझ में तो आना चाहिए कम से कम। ऐसा होता है जब कनेक्शंस बन जाते हैं बच्चों से, तो सामने कैमरा मेरे को क्या लग रहा है, इतने सारे लाखों लोग पढ़ रहे हैं, तो किस वजह से पढ़ रहे हैं, कि समझे उनको, अच्छा स्कोर करें वो लोग, है ना। बहुत अच्छा लगा अन्नू बात करके, आराम से मस्त रहो, टेंशन फ्री होगी। ओके, गॉड सर ब्लेस यू। यस सर, ओके सर, ओके सर, बाय ओके। सर। दोस्तों कुछ चीजें कितनी प्यारी होती हैं लाइफ में। हाँ यार, बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों से बातें करके, और ये पल मतलब लाइफ में भुलाए नहीं जाते कभी भी। अब जब मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूँ, अनबिलीवेबल मोमेंट्स हैं ये लाइफ के। मैं भेज रहा हूँ सबको रिक्वेस्ट यार, तुम एक्सेप्ट कर लेना। एड तुम्हें ज्वाइन करना है सर, मैं कर्नाटक से देख रहा हूँ। सीटल, मैं इतने लोगों को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, किसी के पास आ नहीं रही है क्या मेरी। हाँ पीछे से भेजता हूँ। मेरे पास नहीं आई सर, बहुत सारे बच्चे हैं, आराम से आ रही होगी आप तो। अभी कोई जुड़ा है मेरे साथ, ये कौन सा है, डावर, नमस्ते सर। अरे कौन सा तेल रखा है सामने। सर ठंडा दिल सा। भाई अरे बाल तो मेरे भी उड़ रहे हैं, तुम्हारे भी उड़ रहे हैं, रुक रहे हैं क्या तेल से। अरे रुक जा रहे हैं, टकले होने के बाद रुकेंगे। फिर नहीं बचेगा, उड़ाने के लिए नहीं बचेगा तो रुकना पड़ेगा उसको। सर ट्रांसप्लांट तो करा नहीं सकते, इतनी औकात तो है नहीं, लेकिन ठीक है, टकले अरे होने से रुकेंगे। वो भी क्या पता औकात हो जाए जब बाल ना रहे तो। देखो हमारे गांव में हाँ कहावत है कि जिसके सिर पे बाल नहीं होते उसका पैसा बहुत होता है, क्या पता आ रहा हो, हाँ सर, धनी 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 माना जाता है सर। धनी माने जाते, धीरे धीरे धनी बन जाओ। कौन सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सर पेट की सर, कौन सी। सर UP SSC पेट की सर, आपकी वीडियोस अच्छा अभी देखेंगे सर अभी अभी। देख रहे हो ना, संभावित प्रश्न पत्र देख रहे हो ना, हाँ लगातार सर, 25 से 25 आने पेपर चाहिए। वैसा ही आएगा, और पेपर यही हाँ सर, बनेगा। मैंने वो लाइन इसलिए हाँ लगाई है कि सर, मंदिर यही बनेगा, इसलिए हाँ क्योंकि सर, बिल्कुल पेपर सर, पेपर यहीं से और फंसेगा और कहीं से नहीं। वही वही सेंटर पे गया है सर, जाना भी वही है, 200 किलोमीटर दूर जाना है कहीं भी चले जाओ यार, घूमना हो जाता है। देखो दूर आना चाहिए सेंटर, हमारे यहाँ बगल के बगल में पटक देते थे। और सर। लगता है हाँ लोगों को सर, ऐसा है कि यार बहुत दूर आ गया, कैसे हो पाएगा कैसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वास्तव में दूर आना चाहिए, आराम से घूमना फिरना हो जाता है यार। हाँ सर, हाँ सर। और नहीं सर कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया, आप बताओ यार, सब बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप, धन्यवाद यार, बहुत और अच्छा। अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके भी, तुम्हारे
मिल लिए तुमसे, और क्या चाहिए बताओ सर, मिलेंगे सर आपसे अगर भगवान चाहेंगे तो जरूर एक बार मिलेंगे। अरे नहीं नहीं इस बार नौकरी लगाओ फटाफट से, फिर बढ़िया तरीके से। देखो यही होता है, कनेक्शंस ऐसे ही बनते हैं लाइफ में। मान लो कभी हम आए उधर की तरफ या तुम इधर की तरफ आए और कभी टकरा गए तो तुम पहचान लोगे। हाँ सर सर आप मुंबई से? मुंबई में रह रहे हैं सर? अरे मुंबई कहाँ भाई मैं जयपुर रहता हूँ। अरे सर बड़े बड़े टीचर वही रहते हैं सर, तो हमको लगा वही है। तुमने दिल्ली छोड़ के मुंबई पहुंचा दिया था। अच्छा सर अच्छा। मैं, अरे तुम यूपी में कहाँ से हो सर? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से? प्रतापगढ़ से। मैं भी पास का ही हूँ, मैं यूपी हमारे टच में ही आता है, मैं वहां से हूँ, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा सर। तो मथुरा वृंदावन गोवर्धन ये सब अपने पास में है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपके यूट्यूब के वीडियो सर काफी, मतलब जितने भी हैं सर पूरे मैथ्स के प्लेलिस्ट के हिसाब से देखते हैं सर, मदद करते हूँ। हाँ हाँ अरे बहुत अच्छा है, मतलब उनको कोई पढ़ ले तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा के पूरे हाँ नंबर पक्के हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है हर्ष, अच्छा लगा बात करके भाई। ठीक ओके ठीक तैयारी प्रॉब्लम सर। ओके। मैं सबको भेज रहा हूँ रिक्वेस्ट, लेकिन तुम्हारे पास आ क्यों नहीं रही है? आई थिंक तुम्हारा इंटरनेट स्लो है। प्रेम को भी भेजा है मैंने, आदि को भी भेजा है, कुमारी प्रिया को भी भेजा है, और कमलेश, रवि, करणदीप, दिनेश, दिनेश तो शायद पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग, रितेश यादव भेज रहा हूँ यार, सबको भेज रहा हूँ, चिंता ना करो। हेमंत शर्मा, शिप्रा जी को भी भेज दिया, पवन। हेलो सर, राधे राधे। राधे राधे। शिप्रा जी क्या हाल है? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप बताइए। और सर पढ़ाते तो सबसे अच्छा है। आपने क्या सर? आपने गधा बोला था? नहीं सर, सच सच में मैंने नहीं बोला था, वो झूठ बोल रहा है। वो सुबह से पीछे पड़ गया वो। हाँ सर, वो सुबह आपने बोला था ना गाय और गधा, तो मैंने कहा तू चूज कर ले गाय है कि गधा है। अच्छा, वो उसने चूज कर लिया, बोले मेरे को गधा बोला। ओके तो वो सुबह से ही है, मतलब शाम में एक भी बार उसे नहीं बोला था। चलो कोई नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। और सब बढ़िया बढ़िया पढ़ाई चल रही है सर? हाँ सर, बस डर लग रहा है बात करते हुए। कितने साल हो गए तुम? कितने साल से पढ़ रहे हो? 3 साल हो गए तुम्हें पढ़ते पढ़ते, है ना? 3 साल हो गए जी सर, अभी स्कूल ज्वाइन कर लिया है। पढ़ाती हो? हाँ पढ़ाते हैं सेंट जेवियर्स में। ओहो, इंग्लिश मीडियम में? हाँ पूरा मैथ और साइंस दोनों पढ़ाते हैं। बढ़िया, बच्चे पढ़ रहे हैं। इंग्लिश की ट्यूशन आपसे लेते हैं ना सर? मेरी इंग्लिश मत पढ़ो तुम। वो जेवियर वाले बोल जाएंगे जेवियर। अरे सर सर आपकी सच सच में सर, सर मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती थी, सच में जब से आपसे पढ़े हैं मेरी मैथ बहुत अच्छी हो गई है। अब तुम पढ़ा भी तो रही हो, अब तो तुम टीचर बन चुकी हो। हाँ बिल्कुल, सर ने बोला है कि आप मैथ लीजिए, मैथ पढ़ाइए, तो उन्होंने मुझे मैथ ही दे दिया उठा के, जबकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है। सैलरी कितनी मिलती है? 8,000। बस 8,000 है? हाँ बस। तो फिर ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दो तुम तो, टीचर वीचर छोड़ो। हाँ सर अभी नए नए ना, अभी सितंबर में ही ज्वाइन किया इसी वजह से। हाँ हाँ फिर तो थोड़ा टाइम लगेगा ही, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ट्यूशंस काफी अच्छे आने लग जाएंगे फिर। एक बार ट्यूशंस आने लग जाए ना, फिर 200 रुपए से कम किसी से बात मत करना, 200-300 रुपए से। 200 सर यहाँ तो मोहल्ले वाले पढ़ते हैं तो एक भी नहीं देते हैं। क्यों ऐसे बोल देना कि मैं ऐसे पता नहीं ऐसे वैसे नहीं पढ़ाती हूँ, बोले 300-200 रुपए से कम बात ही नहीं करूंगी मैं। अरे सर एक तो यहाँ पे
गांव में ना एक तो एडवांस देते नहीं है, ऊपर से एक दो महीना पढ़ लेंगे उसके बाद कहेंगे अब नहीं पढ़ेंगे, जब पैसे मांगते हैं तो बोलते हैं अब नहीं पढ़ेंगे, ऐसा बोलते हैं मोहल्ले में। हाँ ऐसे होता है, देखो सब जगह ऐसे होता है, लेकिन वही है कि अच्छे 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 लोगों को, जो वास्तव में अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो ना, अब जैसे सेंट जेवियर्स में पढ़ा रही हो ना, तो वहां से अच्छे बच्चे निकल कर आएंगे, तो वो ऐसे नहीं करते, उनके पेरेंट्स ऐसे नहीं करते। हाँ इसलिए अब ट्यूशन मिलेंगे, इसीलिए आपकी क्लास अब नहीं ले पाते, इसीलिए ऑफलाइन लेते हैं, ऑफलाइन बाद में करते हैं आपकी क्लास, जब भी टाइम मिले क्लास कर लिया करो, लेकिन क्या है कि जैसे धीरे धीरे पढ़ाना भी, अब स्किल भी इम्प्रूव हो रहा है। एग्जाम एग्जाम नहीं दे रही हो क्या तुम? एग्जाम दे रहे हैं, पेट का है सर 15 को। अच्छा अच्छा, तो वो क्लास ले रहा हूँ, वो ले लेना है ना, उसमें से आएंगे क्वेश्चंस, बीआईवीआई देख के जाना। हाँ सर वो 4 बजे वाली ले रहे हैं आपकी। हाँ बस सही है, और रात में 9 बजे आप लेते हैं वो वाली। हाँ वो तो कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है उसका, तो बाकी पढ़ाई वढ़ाई बाकी पढ़ाओ अच्छे से साइंस वाइंस, हालांकि अगर तुमने अच्छे से एक डेढ़ साल पढ़ा दिया ना तो वैसे ही कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हें, क्योंकि बेसिक्स बहुत क्लियर हो जाते हैं एनसीईआरटी पढ़ाने से। सर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है स्कूल में, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये तो हमेशा देखो टीचिंग को ऐसे लिया करो कि सीखने के पैसे मिल रहे हैं, हमेशा टीचिंग को ऐसे लिया करो कि सीखने का पैसा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सीख रही हूँ बस, अपने आप बेहतर हो जाएगा। जी सर। चलो बढ़िया सर, और सब घर में सब अच्छा? हाँ सर मेरी मदर नहीं है ना, तो सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो अभी तुम सिस्टर कितनी है? एक एक्सपायर हो गई है, 4 थी, एक एक्सपायर हो गई है, 3 है हम लोग, एक की शादी हो गई है, 2 है अभी। और भाई नहीं? भाई नहीं है। अरे पापा? पापा हैं, पापा हैं, बाबा हैं और चाचा हैं, तो पूरे घर की जिम्मेदारी के साथ साथ पढ़ना पड़ता है और पढ़ाना भी पड़ता है। बहुत बहुत लाइफ में स्ट्रगल है, हाँ? लेकिन तुम खुश रहती हो, मस्त अच्छी बात है। अरे हाँ बिल्कुल सर, लाइफ में मतलब कितना मोटिव। हाँ सर, हंसते ही रहना चाहिए, वरना सैड होके क्या मिलेगा, कुछ मिलने वाला है नहीं, और जो हो गया वो हो गया, उसमें रोने धोने से कुछ काम तो चलेगा नहीं लाइफ। वही सर, जो चला गया वो वापस आएगा नहीं, तो इसलिए शोक मना के क्या फायदा। चलो यार अच्छा करो लाइफ में, बहुत अच्छा करो। और सर मैम ठीक है? मैम तो बढ़िया ही है, मैम का क्या होगा, मैं हम ठीक है पूछो। आप तो ठीक ही है सर, आप हमेशा हंसते रहते हैं, मैम को क्या, बहुत दिन हो गया ना देखे नहीं, शादी के बाद से आप कभी लाइव ही नहीं आते मैम को लेके। तो शादी के दिन भी कहाँ देखे थे मैम को तुम, वो तो वीडियो वीडियो निकल के वो आपने वीडियो डाली थी बस वही देखे थे। उनको शौक नहीं है, अभी किसी दिन देखते हैं इंस्टाग्राम लाइव लेकर आते हैं, धमाका होगा बहुत। हाँ सर, हाँ सर बिल्कुल आइए, हम लोग से भी मुलाकात करवाइए, इतने पुराने स्टूडेंट हैं हम लोग आपके। सही है, और अच्छे से रहो, कोई टेंशन वेंशन हो तो बताना है ना, बढ़िया पढ़ाई करो, और हाँ सर जो भी मुसीबत है डटकर सामना करना है अपन को, और कुछ नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बाकी शिप्रा जी बढ़िया पढ़ाई करते रहो और एग्जाम निकालो, तुम तो सरकारी जॉब निकालो, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, टेक केयर। मेरी बहन कह रही है सर एक बार उससे भी मिल लीजिए। नमस्कार। हेलो सर। हेलो हेलो, नमस्ते सर, आपका नाम क्या है, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ कैसे हो? अरे इसको तो बंद करो, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ। लाइफ में फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है। हमारी स्टूडेंट की पहली बार हो रही है, तुम तो उनकी बहन हो। मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, आपको ऐसे देखते थे तो मतलब अनअकैडमी वगैरह पे देखते थे, लेकिन आज आपको लाइव देख रहे हैं अपने सामने और आपसे बात हो रही है। अच्छा लगता है बात करके यार, काफी मुझे काफी दिन बाद बात कर रहा हूँ मैं अभी भी, और काफी अच्छी मतलब बोल्ड बोल्ड सिस्टर पाई है तुम लोगों ने, मतलब ब्लेस्ड हो तुम लोग, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम छोटी हो इससे या बड़ी हो? हम सबसे छोटे हैं, ये सेकंड नंबर पे है। तो ये थोड़ी मैच्योर लगती है, तुम शरारती लगती हो। और मैम ठीक है सर? मैम बढ़िया है, मैम को क्या होगा, सर से पूछो सर ठीक है नहीं। हाँ ये भी ये भी ठीक है। ओके सर, लीजिए बात कीजिए।
थैंक यू सर मुझसे बात करने के लिए। नाम क्या है तुम्हारा? शिवांती शर्मा। शिवांती, अच्छा चलो शिवांती, बहुत अच्छा लगा बात करके। ठीक है शिप्रा, बस करो। ओके सर, बाय बाय सर। ओके बाय बाय कर रही हूँ। हेलो, ठीक है सर, अब बात कर लीजिए, बाकी लोग भी लाइन में लगे हैं। ठीक है, चलो ठीक है। ओके ओके सर, नमस्ते सर। ओके गाइस, बहुत अच्छा लगा यार बात करके, अब फिर कभी और आएंगे। ठीक है, और मैं तो सोच रहा हूँ जूम पे लेकर बात करेंगे किसी दिन। ठीक है, अच्छा लगा। और मैम को कहाँ से दिखाऊँ? मैम यही नहीं तो यार, मैम को दिखाओ। ठीक है डियर, बहुत अच्छा लगा यार बात करके। ऐसे ही अब आया करूँगा जनरली मैं ना, है ना। तो टेक केयर और लगातार क्लासेस लेते रहो। कल जीडी वाले जो भी विद्यार्थी हैं, 11 बजे एसएससी जीडी की क्लास शुरू कर रहा हूँ वाईफाई स्टडी पर, और रात को 9 बजे सीजीएल का चल ही रहा है, यूपी ट्रिपल एससी का 4 बजे चल रहा है क्विक ट्रिक बाई साहिल सर पर। ठीक है, चलिए तो बस पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। और इंडिया जीत चुकी है, बहुत सारी बधाइयां आप लोगों को। श्रेयस अय्यर का शतक हो चुका है और संजू सैमसन ने भी 2-4 बॉलों का कैमियो खेल दिया। ठीक है, ईशान किशन भी बढ़िया खेल कर रहा है यार, एवरी संडे आना। हाँ हाँ, अरे पूरा प्लान है भाई, पक्का। तो अपना ध्यान रखो, बढ़िया पढ़ाई करते रहो, मैं साथ में हमेशा हूँ, हमेशा रहूंगा, टेंशन मत लेना। टेक केयर, बाय बाय।